Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that after second chapter, we are not afraid to die if we can all be together. Our third chapter happens to be the title Discovering Tut the Saga Continues. Time and again I have discussed to you that टाइटल प्लेज वेरी प्रोमिनेंट रोल. यहां पर भी बेटा वही है, टाइटल है अपना डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस. सबसे पहले इसकी मीनिंग को जानते हैं. डिस्कवरिंग टट, टट क्या है? एक मिस्र का एक राजा है, मिस्र का राजा है, इजिप्ट का एक किंग है. किंग को उस समय फैरो बोलते थे. मिस्र के लोग, वहां इजिप्शियन लोग जो थे, वो अपने राजा को, अपने किंग को फैरो की उपाधि देते थे. तो डिस्कवरिंग टट, टट की खोज. देखिए द सागा कंटिन्यूस. सागा क्या है? गाथा, दुखद स्टोरी. देखिए द सागा कंटिन्यूस, दुखद जो स्टोरी है, गाथा है, अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यू है. तो कहने का मतलब क्या है? टट के बारे में खोज है. अब खोज क्या कैसी है? ट्रेजिक है, ट्रेजिक डिस्कवरी है, उसकी खोज अभी भी कंटिन्यू है. तो कहने का मतलब जो चैप्टर है हमें इस टट के बारे में है. टट एक राजा है मिस्र का, और राजा को उस समय फैरो बोलते थे. चलिए देखते हैं. कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि यहाँ पर टट जो है, इसकी डेथ कैसी हुई, एक मिस्ट्री बनकर की है. और ये मात्र 11 इयर्स ओल्ड था, बहुत कम एज में इसकी डेथ हुई है. और जब राजा बना ये, तो कुछ ही समय तक सिंहासन पर रहा, इसके बाद इसकी डेथ हो गई. अब यहां पर इसकी डेड बॉडी को क्या किया गया? ममीफाइड कर दिया गया, और इसको गोल्ड के साथ दफन कर दिया गया. अब साथ में गोल्ड के साथ साथ कई चीजें थी, जो उनके साथ रोज आने वाली जो चीजें होती हैं, उनके साथ जो है टट को, यानी इस राजा को जो है दफना दिया गया, सोने से लाद दिया गया, और फिर इसको भुला दिया गया. कई साल के बाद इसकी कब्र को खोदा जाता है. और इसकी डेथ कैसे हुई थी, इसकी लाइफ के बारे में, और क्या प्रोबेबिलिटी थी इसके डेथ के पीछे, क्या कारण हो सकता है. मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मर्डर की तरफ है, क्योंकि टेक्स्ट में कुछ ऐसी लाइनें आएंगी जिसमें हम पढ़ेंगे, जिससे ये पता चलता है कि किंग यानी फेरो टट की डेथ जो है वो आसान, सामान्य नहीं है, यूजुअल, बिल्कुल आप कह सकते हैं नॉर्मल डेथ नहीं. तो एक मिस्ट्री है, एक रहस्यात्मक तरीके से राजा मरा, कैसे मरा, उसी की डिस्कवरी है, उसी की खोज है. और बार बार उसका सीटी स्कैन किया जाता है, और सीटी स्कैन में क्या फाइंड आउट होता है, क्या पता चलता है, उसी के बारे में कहानी है. तो चलिए देखते हैं इस प्राचीन इजिप्शियन किंग जिसका नाम टट था, टटन खामून जिसको बोलते थे, वो उसकी डेथ हो गई, और कैसे डेथ हुई इसके बारे में चलिए जानते हैं. स्टूडेंट फर्स्टली ओपन द बुक हॉर्नबिल, दिस बुक हॉर्नबिल एंड स्पेशली द चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज. ओपन दिस बुक. सबसे पहले देखते हैं, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, किशोर ही था, बहुत कम उम्र का था. व्हेन ही डाइड, जब वह मर गया. जब वह मर गया, कौन मर गया बेटा? ये टट, टटन खामोन, टट राजा. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, जब वह मरा, बहुत किशोरी था. द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट,
जिन्होंने इजिप्ट पर मिस्र पर शासन किया एंड इट्स एम्पायर इसके साम्राज्य पर शासन किया फॉर सेंचुरीज सदियों तक. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड सोने से लाद करके उसे क्या किया गया एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन उसे दफन कर दिया गया और फिर भुला दिया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 उसकी कब्र की खोज जो होती है 1922 में द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड आधुनिक संसार जो है वो अनुमान लगाता है बताता है अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम कि उसके साथ क्या घटित हुआ. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी और ज्यादा करके जो संभावना होती है वो मर्डर की तरफ इशारा करती है कत्ल की तरफ इशारा करती है. नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 years के बाद 80 साल के बाद देखिए द टूट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन टूट का सिटी स्कैन होता है दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ जो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए सुराग देते हैं. देखिए क्लूज का मतलब कुछ ऐसी आइडेंटिटी आती है कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं कुछ सिटी स्कैन से कुछ ऐसा फाइंड आउट होता है. ठीक है नए नए क्लूज मिलते हैं उसके जीवन के बारे में उसकी डेथ के बारे में. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वाइस फेरो देखिए एंड प्रोवाइड्स और प्रदान करती है देते हैं क्या देते हैं प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट एक एग्जैक्ट जो है वैज्ञानिक जांच पड़ताल होती है उसका वो डाटा आता है कि कैसे डेथ हुई बिल्कुल क्लियर जो है आता है इसके बारे में. फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बेटा वैज्ञानिक जांच पड़ताल उसकी की जाती है और इस वाइस फेरो मतलब इस छोटे राजकुमार के लिए किसके लिए आया है बेटा इस टट के लिए आया है. एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स देखिए एज किंग टुट वॉज टेकन जैसे ही राजा टुट को निकाला जाता है फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस उनको जहां वो आराम करते थे उस जगह से इन एंशियंट इजिप्शियन कहां से इन एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री उस प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान से जिसे क्या कहा जाता है एज द वैली ऑफ द किंग्स जिसको राजाओं की घाटी कहा जाता है जब वहां से निकाला जाता है उसको देखिए तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग विंड एंग्री विंड एक तेज हवा ने झकझोर दिया देखिए स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स ठीक है एक धूल का शैतान उमड़ उठता है. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे क्या होता है डार्क काले घने बादल जो है मंडराने लगते हैं बिल्कुल कहा डेजर्ट स्काई बिल्कुल रेगिस्तान के आसमान में जो है काले घने बादल मंडराने लगते हैं. ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे और सितारों को एक भूरी टोकरी ने ढक लिया उस टाइम. इट वॉज 6 PM लगभग 6 बजे का समय था ऑन 5th January जनवरी 5 में 2005 की 5 जनवरी के दिन सायं 6 बजे का वक्त था. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी संसार की विश्व की बहुत फेमस वेल नोन मम्मी ग्लेटेड हेड फर्स्ट इन टू सिटी स्कैनर मतलब मम्मी उस मम्मी कौन है बेटा उस टट को जो है केमिकल लगा करके उनको रख दिया गया था ताकि खराब ना हो आज भी सिस्टम है वहां पर तो इस तरीके से उस मम्मी को जो है सीटी स्कैनर में डाला जाता है टूट को. ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज इसलिए डाला जाता है कि जो मिस्ट्री जो वैज्ञानिक रहस्य है अभी भी लिंगर कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए उसको जानने के लिए स्कैनर में डाला जाता है. ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंगर रूलर इस नौजवान छोटे कम उम्र के शासक को हु डाइड मोर देन 3,300 years ago जिसकी डेथ जो है लगभग 3,300 पहले हो चुकी थी. ऑल आफ्टरनून पूरे दोपहर के बाद द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रेम्ड रॉक कट टॉम्ब सम 26 feet अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर के बाद द यूजुअल लाइन एक सामान्य लाइन कतार जो है देखिए ऑफ टूरिस्ट
टूरिस्ट की, पर्यटकों की, देखने वालों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के चारों तरफ से जो है डिसेंडेड, वो आने लगे, आते हैं, अंदर जाते हैं, कहां जाते हैं, इन टू द क्रैम्ड रॉक कट, जो रॉक को चट्टान को काट करके जो मगरब बनाया गया था वहां अंदर जाते हैं, क्रैम्ड रॉक कट टॉम सम 26 feet अंडरग्राउंड, लगभग 26 feet अंदर जाते हैं, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपने देखिए क्या करने के लिए, टू पे द रिस्पेक्ट, देयर रिस्पेक्ट्स, सम्मान देने के लिए। दे गेज्ड एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, बरियल चैम्बर अंदर जहां पर दफनाया गया था उसकी दीवारों पर बने चित्र को लोग देखते हैं, एंड पियर एडेड टूट्स ग्लेडेड फेस, और टूट के चमकते हुए चेहरे को देखते हैं, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, जो कि बिल्कुल अत्यधिक जो है एक विशेषता है, किस चीज की, ऑफ हिज मम्मी, उसकी मम्मी के, ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन, मम्मी के आकार के कॉफिन के ढक्कन की एक जो है एक स्ट्राइकिंग फीचर है, मुख्य विशेषता है। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, जो वहां पर टूरिस्ट के लिए गाइड बुक रखी गई है, कुछ लोग उस चीज को पढ़ते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ लोग खड़े होकर के देखते हैं, परहैप्स पॉन्डरिंग, और कुछ शायद जो है उसमें चकित होकर के सोच विचार विमर्श कर रहे हैं, देखिए अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ शांत होकर के खड़े हुए हैं, परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद वो सोच विचार रहे हैं, जान रहे हैं, गेस कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं किस चीज के बारे में, टूट्स अनटाइमली डेथ, कि टट की जो है अनटाइमली डेथ हुई, देखिए कोई जो समय, क्योंकि समय से पहले का मतलब बहुत कम एज में जो है उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ के बारे में लोग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, इन हिज लेट टीन्स, और वॉन्डरिंग विद अ सीवर, देखिए और वॉन्डरिंग विद अ सीवर इफ द फेरोज कर्स, और सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि क्या जो ये है फेरो के बारे में एक अभिशाप कहा जाता है, क्या वो सच है, देखिए डेथ और misfortune falling upon them, those who disturbed him, कि जो उनको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने पर जो उनके उनका मानना है, जो एक अभिशाप है, क्या वो अभिशाप सच है या झूठा है, इसके बारे में चिंतन मनन करने लगते हैं। The mummy is in very bad condition, मम्मी की हालत का मतलब क्या है, जो ताबूत बना करके, देखिए मम्मी बना करके केमिकल लगा करके जो उनको रखा गया है उसी को मम्मी बोलते हैं बेटा। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, कि कार्टर ने जो 1920 में किया उसकी वजह से मम्मी की हालत, ठीक है, जो मम्मी फाइड करके रखा गया है उनकी हालत बहुत ही खराब है। किसने कहा, सिड जाहिवास ने कहा, सीक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, वो जाहिवास कौन है, सीक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के जाहिवास ने कहा, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, जैसे ही वह बॉडी की तरफ झुकते हैं, फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, एक बार क्लोज से देखने के लिए, नजदीक से देखने के लिए, अच्छे ढंग से जब झुकते हैं तब उन्होंने कहा, कार्टर हावर्ड कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, हु इन 1922 जिन्होंने 1922 में डिस्कवर्ड टूट्स टॉम, टूट की कब्र की खोज की, आफ्टर ईयर्स ऑफ द फ्यूटाइल सर्चिंग, काफी समय तक सर्च करने के बाद, निरर्थक प्रयास करने के बाद, असफल प्रयास करने के बाद उन्होंने ढूंढ निकाला। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैनसेक्ड इन एंटीक्विटी, इसकी जो चीजें थी, जो सामान थे, जो और थे, इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैनसेक्ड इन एंटीक्विटी, उनको लूट लिया गया था, वर सरप्राइजिंग इन कंप्लीट, लेकिन फिर भी वह पूर्ण आकार में था सब कुछ। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ever found and have become part of the Pharaoh's legend, देखिए they remain the richest royal collection, वे चीजें जो थी एक समृद्ध चीजों का वो संग्रह थे, और have become part of the Pharaoh's legend, और ये Pharaoh की दंत कथाओं का एक हिस्सा बन गई, समृद्ध चीजों का संग्रह थे और दंत Pharaoh की दंत कथाओं का एक हिस्सा बन चुकी थी वो चीजें। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. देखिए, stunning artifacts in the gold, their eternal brilliance meant, especially जो है
यहाँ पर एक्चुअल में देखेंगे इस लाइन को, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, गोल्ड में जो हस्तकृतियां की गई थी, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी जो लगातार चमक थी, इसका मतलब क्या था कि कॉज ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, खोज के समय इन दो चीजों ने एक तरीके से सनसनी पैदा कर दिया, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और लोगों का कंसंट्रेशन अटेंशन आज भी इस तरफ रहता है। बट इट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स यू वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, और टूट को भी सामान्य जो चीजें होती हैं उन चीजों के साथ दफन किया गया था जो जीवन के बाद जरूर पड़ सकती हैं। बोर्ड गेम्स देखिए, ब्रोंज रेजर, कांसे का एक रेजर था, लिनन अंडरगार्मेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, वाइन और फूड के जो डिब्बे थे, इन सभी चीजों के साथ उनको दफन किया गया था। After months of carefully, recording of the pharaoh's funerary treasure, काफी समय तक देखिए, after months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, pharaoh के दफन किए गए इस खजाने को काफी समय तक निरीक्षण करने के बाद, Carter began investigating his three nested coffins, Carter ने छानबीन शुरू किया, किस चीज को उसकी छानबीन शुरू किया, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स, तीन कवचों में रखे गए ताबूत को जांचना शुरू किया, ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलते हुए ही फाउंड अ श्राउड, उन्हें एक कफन मिला एडॉर्न विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, देखिए एडॉर्न विद गार्लैंड जो माले से सुशोभित हो रहा था, और क्या था देखिए, विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, वो माला किसकी थी बेटा, विलो एंड ओलाइव लीव्स, जैतून के पत्ते, वाइल्ड सिलरी मतलब जंगली अजवाइन, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर, इन फूलों से वो थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल, ये सूखे हुए जो पत्ते और ये जो चीजें थी, क्या थी, एक एविडेंस थी, किस चीज की एविडेंस, ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल की, इनको मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था, जो सूखे पत्ते थे इन चीजों के इस तरफ इशारा करते थे। When he finally reached the mummy, जब वह मम्मी के पास वहां पहुंचा, दो ही रैन इन टू ट्रबल, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको हुई, द रिचुअल रेसिंस हैड हार्डेंड, अनुष्ठान के समय जो चिकना पदार्थ यूज किया गया था वो क्या हो गया था, सख्त हो चुका था, स्टिक्ट हो चुका था, सीमेंटिक टू द बॉटम ऑफ पीस सॉलिड गोल्ड कॉफिन, मतलब टूट के जो ठोस था, सख्त जो हार्ड पार्ट था वो नीचे जैसे जम गया हो, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी बल, कोई भी ताकत जो है उसको हिला नहीं सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, क्या लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, कि अब इसके आगे क्या किया जाना था। डियर स्टूडेंट्स, वेर एवर यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक्स।